कोरोना लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों की परीक्षाएं भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने परीक्षाओं के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले करवाई जाएंगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय वर्ष और साथ ही पीजी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएं। सीएम ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी बीटेक, एमटेक और एमबीए पाठ्यक्रमों और साथ ही पॉलिटेक्निकल पाठ्यक्रमों के लिए भी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई माह में शुरू कराई जाएं। इन सभी पाठ्यक्रमों के पूर्ववर्ती वर्षों के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर बाद में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षाएं कराई जाएं। सीएम ने परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करवाने तथा साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिए हैं कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री गंभीर हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षाएं होंगी। जल्द ही जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो सबसे पहले होंगी। लगातार गंभीर होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर फैसला ले रहे हैं। जल्द ही इन परीक्षाओं के टाइम टेबल भी जारी कर दिए जाएंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, बताएं किस प्रकार से ये सभी तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि देखिए बहुत जद्दोजहद के बाद हमेशा आगे किसकाते अब वो समय आ गया है जब इन छात्रों की भी परीक्षाएं होनी है। किस प्रकार से पूरे इंतजाम रहेंगे? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार छात्रों की मांग थी कोरोना संक्रमण के दौरान जो परीक्षाएं हैं वो या तो स्थगित की जाए फिर आगे कराई जाए, इसको लेकर देर शाम जो बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और बैठक ली, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग मंत्री जो भंवर सिंह भाटी वो मौजूद, साथ साथ तकनीकी शिक्षा विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने लगातार जो जिस तरह की छात्रों की मांग थी या जो कमेटी गठित की थी उसके अनुसार लिया गया, जिसमें बताया गया कि जो अंतिम वर्ष के जिसमें बात करें तो यूजी पीजी और साथ ही जो तकनीकी जो कोर्सेज के जो अंतिम वर्ष है उनकी परीक्षा आयोजित करवाने के निर्णय लिया, जो जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो परीक्षाएं वो आयोजित की जाएगी। इसी के साथ बात करें तो जो अन्य कक्षाओं जिसमें जो पूर्ववर्ती कक्षा है जिसमें यूजी पीजी के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, साथ ही साथ बीटेक, एमटेक और जो अन्य जो टेक्निकल जो कोर्सेज चलते हैं उनकी जो पूर्ववर्ती कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर लगातार जिस तरह फीडबैक लिया गया था, क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने का जो खतरा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसी के चलते जो परीक्षाएं स्थगित की थी। टेस्ट परीक्षाएं जो अंतिम वर्ष की है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी, उसको लेकर जो सभी विश्वविद्यालय अपने अपने जो कमेटियां बनाकर लेंगे किस तरह से वो आगे जो जो परीक्षाएं हैं वो करवाएं। इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बात करें तो जो अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी थे परीक्षाओं को लेकर, तो उस दौरान जिस तरह की जो तैयारी की गई थी उनको लेकर कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा कक्ष में जो स्टूडेंट्स बैठने की जो सुविधा है उसको भी दो गज दूरी के अनुसार उनको निर्धारित करे कि सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित पालना हो, तो जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर भी जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो तमाम संसाधन है वो वहाँ मौजूद होने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अब आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी।
जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें जुलाई के दूसरे सप्ताह में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा और तमाम एहतियात बरती जाएंगी। परीक्षा केंद्र जो होंगे वहां पर तमाम एहतियात बरती जाएंगी, सैनिटाइजर का प्रयोग वहां पर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कराना वहां पर बेहद अहम होगा।